आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। खबर यह भी है कि आपने 13 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवार भी शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं। साथ ही कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई आपकी एक मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में हरी झंडी दे दी है। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन बताया जा रहा है कि जल्द ही आम आदमी पार्टी सब कुछ साफ कर देगी, जिससे इंडिया महागठबंधन को झटका लगेगा। सीएम भगवंत मान की ओर से कई बार इसके संकेत भी मिल चुके हैं। पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के जीतने की बात की है। सीएम का कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी लोगों के लिए काम कर रही है, लोग पार्टी के काम से खुश हैं, जिसके चलते वह लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ही भारी बहुमत से जीत दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव को अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस साल मार्च या अप्रैल महीने में चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है, जहां ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां तेजी से अपनी तैयारियां शुरू कर रही हैं। इंडिया महागठबंधन के साथ साथ अकेले दम पर भी राजनीतिक पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अद्विका की साल की सबसे बड़ी बॉक्सिंग डे सेल में आए और 70% तक डिस्काउंट पाए। लेडी सूट्स, लहंगास, गाउन्स, शॉल्स, गरम सूट और जेंट्स लोईस। एड्रेस A3 पटेल चौक, पठानकोट, गुरदासपुर, बाटा चौक, साहूवालिया कॉम्प्लेक्स, चर्च के नजदीक। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममूल, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।